गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी मैं पहुंच चुका हूं हरना मुक्तेश्वर धाम। चौबीस तारीख को यहां हम लोग आए हुए थे, जो कि यहां पे सरहुल लगा हुआ था। इन समय बहुत ज़्यादा भीड़ था। आज मेरा दोस्त जमशेदपुर से आया हुआ है, नीरज गोप, तो उसने नया बाइक लिया हुआ है, तो वो बोला कि चलो जाते हैं। अभी हम लोग प्रसादी लेंगे और बाबा के दर्शन करेंगे। हम लोगों ने प्रसादी खरीद लिया, अभी बाबा के दर्शन करने वाले हैं। हम दोनों ने सेम पैंट पहना है, वाइट वाइट। पूजा पाठ बहुत अच्छा से किया हम दोनों ने। नीरज जी नास्तिक टाइप के इंसान है, तो ये उनका पहली बार मंदिर का दर्शन किया उन्होंने। अभी मुक्तेश्वर धाम के यहाँ पे आए हुए हैं। हो सकता है बाबा ने ही इनको बुलाया होगा। बोला जाता है कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलती। ऐसा भी नहीं कि वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन पूजा पाठ मंदिर अंदर बहुत कम ही जाते हैं। और इनका ऐसा विश्वास है कि आप भगवान को दिल से माने और जब वक्त मिले तो भगवान के दर्शन जरूर करना चाहिए। के लिए हमें प्राकृतिक जगहों में या फिर तीर्थ स्थलों में, धार्मिक स्थानों में समय बिताना चाहिए। और यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है। तो यहाँ पे आके मतलब बहुत आराम, रिलैक्स फील होता है, एकदम शांति महसूस होता है। यही कारण है कि हम लोग यहाँ पर बार बार आते रहते हैं, जब भी वक्त मिलता है। जब भी वक्त मिलता है हम लोग ऐसे कोई मौका नहीं छोड़ते हैं कि हम लोग यहाँ या फिर कोई भी तीर्थ स्थल जाते हैं, तो वहाँ का जो माहौल होता है बहुत ज़्यादा शांत रहता है, एकदम शांति मिलती है और हमें फिर से काम करने की एनर्जी मिलती है। गाड़ी की भी पूजा पाठ हो गई है और देख सकते हैं यही वो गाड़ी है जिसे मेरा दोस्त नीरज गोप ने ख़रीदा है। और बहुत ही आनंदपूर्ण सफ़र रहा आज का। पूजा पाठ हो चुका है, अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और हणियान में जो मंदिर है, काली मंदिर, और वहाँ पे थोड़ा दर्शन करेंगे माता का। ये जो जगह है ना, जाने के वक्त रास्ता में ही मिलता है, राइट साइड में। तो आज का जो ब्लॉग है यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। अभी हम लोग को घर भी जाना है, बहुत देर हो चुकी है क्योंकि अभी करीब अभी 12 बजने वाले हैं, तो हमें भूख भी लगी है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।